हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। एन एलिमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट डेल्टा एक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज। बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे एक डेल्टा एल एलिमेंट है जो कि डेल्टा एक्स इसका लेंथ है, ठीक है। और उस डेल्टा एक्स लेंथ का यहाँ पर जो लेंथ हमें दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है, ओके। बोल रहा है कि इस डेल्टा एल को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है और इसमें एक बहुत ही लार्ज करंट फ्लो हो रहा है जो कि 10 एम्पियर है। तो बोल रहा है कि वाई एक्सिस में, है ना, वाई एक्सिस में 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो 0.5 है इसको आर डिस्टेंस मान लेते हैं, तो और ये डेल्टा एक्स का इधर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में डेल्टा एक्स का डायरेक्शन होता है डेल्टा एल का। तो इन दोनों के बीच में आर और डेल्टा एक्स के बीच में डिस्टेंस एंगल कितना हुआ, 90, क्योंकि डेल्टा एक्स एक्स में है, ठीक है, और आर इधर की तरफ है तो एंगल तो 90 बनेगा, ओके। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, इसके लिए बायोट सावर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो थीटा है बच्चों, ये एलिमेंट और डिस्टेंस आर के बीच का एंगल होता है। तो कितना एंगल है यहाँ पर, 90 डिग्री है। तो आप 90 डिग्री यहाँ पर पुट कीजिए और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू रखिए, तो वो कितना होता है, 10 to the power -7, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10। डी एल मतलब डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन और थीटा कितना है, 90 है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर, तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगा, तो 10 to the power -1 रिमेनिंग रहेगा। तो 10 to the power -1 और 10 to the power -8 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 to the power -7 और 10 to the power -1, 10 to the power -8 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 91 और ये 1/4, तो अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इधर डेनोमिनेटर में जा करके, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को यहाँ से मालूम हो जाएगा, 4 into 10 to the power -8। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर।